जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम ग्रंथ सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अचल पॉल अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को तहे दिल से नमन और शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आज ये मौका दोबारा दिया मुझे इस इतने इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म वर्चुअल प्लेटफॉर्म फ्रॉम गुरु जी का आश्रम कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूं फॉर द कोऑर्डिनेट्स। और आज का जब मेरे को बोला गया कि सत्संग आपको शेयर करना है तो आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि आई नेवर वॉन्टेड टू बी रेपिटेटिव, मगर फिर भी सत्संग जो होते हैं वो जितनी दफा आप सुनेंगे आपको उसका गुरुजी एक डिफरेंट ही मीनिंग और डिफरेंट उसका मायना दिखाएंगे, कंप्लीटली डिफरेंट। वो ऐसे लगता ही नहीं है कि क्योंकि उसमें हर वक्त एक सीख होती है और ब्लेसिंग होती है। तो आज का आइडियली तो मैं गुरु की महिमा से स्टार्ट करना चाहता हूं, मगर इतने हम काबिल नहीं है कि हम गुरु की अपने गुरु की महिमा करें। गुरु तो महाशिव हैं, अपरंपार हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और हम इतने ना समझ हैं, एक गलतियों के पुतले हैं जो उनके सामने और उनकी शरण में हम हैं। और ये उनके ऊपर है वो कितना अपने आंचल में हमें लेते हैं और कितना ब्लेस करते हैं। और प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी संगत से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मगर हमेशा वो एक चीज कहते थे, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन करो। और ये डायरेक्ट कनेक्शन कैसे होगा? जब आप टोटल सरेंडर करेंगे, विच मीन्स नो इफ्स एंड बट्स, कोई किंतु परंतु नहीं, कुछ नहीं, बस अगर आप गुरु जी के शरण में जाना चाहते हैं और हैं तो प्लीज कंटिन्यू टू बी हिज डिवोटी 100%। डोंट डू विंडो शॉपिंग हियर एंड देयर। होता क्या है कि आदमी जिंदगी में उतार चढ़ाव में बहुत घबरा जाता है। एज अ रिजल्ट जब परेशानी ज्यादा होती है और आप प्रार्थना करते हैं और वो एकदम पूरी नहीं होती है, फिर आप भटकते हैं। दैट्स वेयर योर फेथ कम्स इन प्लेस। अगर आप फुल्ली डिवोटेड हैं आप कभी घबराएंगे नहीं। वो तो कहते थे अपने कर्म कटा लो, घबराओ नहीं। जब भी कोई मुश्किल आती है ये सोचो तुसी गुरु दे बंदे हो। मैं पहाड़ दा राई पहला ही बना देना है, मगर अपने कर्म तो कट के जाओ ना, वो क्यों मेरे को कटवाने हो तुसी। इन अदर वर्ड्स, डोंट कैरी द बैगेज व्हेन यू मूव ऑन फ्रॉम दिस प्लैनेट अर्थ। गुरु जी महाराज अंतर्यामी, उनको सब कुछ जैसे मैंने बोला मालूम है। तो हमारा जो कनेक्शन हुआ, जो हम गुरु जी के शरण में आए, वो छोटे मंदिर में आए। और उस वक्त गुरु महाराज को ये मालूम था कि आज के कुछ समय बाद ये संगत इतनी बढ़ेगी कि समा नहीं पाएगी एक छोटे मंदिर में। तो उन्होंने तभी से
बड़े मंदिर का निर्माण का स्टार्ट कर लिया। और जिन अंकल्स की ड्यूटी लगी थी वहां पे बनाने की, वो आते थे, अपनी परेशानी व्यक्त करते थे। हर तरह की परेशानी बड़े मंदिर बनाने में आई, और उसका हम वही होते थे गुरु जी की सेवा में, तुरंत उसका समाधान देना, उसका सोल्यूशन देना, और कहना उनको यू एहोजी टेबल नहीं होएगी, उन्होंने को जाके काम करें। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं, जब बड़े मंदिर की स्टार्ट टू कंस्ट्रक्शन, तो लेबर को हायर करा, तो संगत जी जिस जिस लेबर को हायर करते थे वो थोड़े दिनों के बाद भाग जाते थे, क्योंकि थोड़ा सा वो खुदाई करते थे वहां पे सांप निकल आते थे। फिर उनको मनाया जाता था, नहीं नहीं अब नहीं आएंगे। फिर जो अंकल को बोला हुआ था वो वहां आए एक दफा कि गुरुजी लेबर नस रही है, ऐसा कुछ करो। कहते की होया, कहते जी बहुत सांप निकल दें, वो डर के नस जाते हैं, कहते हम नहीं आएंगे। ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है, मैं वहीं उनके चरणों के पास ही बैठा हुआ था। संगत जी उस वक्त उनका इतना कहना कि उसके बाद सांप नहीं आए। हर तरह हर मोड़ पे कुछ ना कुछ कठिनाई आई बड़े मंदिर के निर्माण में। यू कैन वेल इमेजिन, अगर गुरु जी का एक प्रोजेक्ट है बड़ा मंदिर बनाना, उसमें अगर कठिनाई आ रही है तो हम और आप क्या हैं, हमारी जिंदगी क्या है? कठिनाई तो आएगी, अड़चन आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। मगर हां, वो आपको फील नहीं होने देंगे। या इतनी अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो गया उस, तो उस वक्त उनको गुरु जी कहते थे देख तेरी जान बचाती मैं, इस तो बड़ा और की चाहिए तेन, तेन खरोच नहीं आन देती। वो हर एक संगत का इतना ख्याल रखते थे, और अभी भी हैं, कि यकीन नहीं आता है कि किस तरह गुरु जी पूरे ब्रह्मांड को चला रहे। तो बड़े मंदिर की बात हो रही है, वापस मैं वहीं जाऊं, तो जब मेन हॉल के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो हर तरह की प्रॉब्लम फेस हुई। उस वक्त गुरुजी वहीं बैठे हुए उसका समाधान करते थे, और वो बना। बड़े फंक्शंस वहीं होने लग गए, और गुरुजी का मोस्ट फेवरेट जो जगह थी वो फ्रंट लॉन्स थे, जहां प्यारी संगत जी आज आप गुरुजी महाराज की समाधि देखते हैं। वो पहले एक ग्रीन, लश ग्रीन लॉन था। दिवाली में और बड़े बड़े फंक्शन पे, बैसाखी में, गुरुजी के बर्थडे पे इतनी सजावट होती थी, छोटे छोटे बल्ब लगते थे, और गुरु जी बुलाते थे और कहते थे इधर आ, बाहर दी फोटोआं लेती हैं तुसी, वो लॉन दी फोटो लो जिथे लाइट लग रही, वो बड़ा सोना लग रहा है, असी अपनी वेबसाइट ते पावांगे। उस वक्त वेबसाइट वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन। फिर गुरु जी महाराज ने सत्संग सबसे लेना शुरू करवाया, असाइन करा कुछ संगत को, उसकी ड्यूटी दी, और बाद में लाइट ऑफ डिविनिटी नाम का ग्रंथ, डिवाइन ग्रंथ, दैट वाज प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड, एंड टुडे दैट इज आवर एवरीथिंग। ये ऐसी ऐसी चीजें गुरुजी ने बनवाई हैं जिससे उनकी महिमा जितनी करें उतनी कम है।
कई दफा तो हमने ऐसा भी सिचुएशन देखा कि उन्होंने चुनिंदा लोगों से, संगत से उनके सत्संग लिए, और वो सत्संग उनको जब बुला के उनको पूछते थे कि तू अपना सत्संग देता, तो वो फोल्डेड पेपर में ही होते थे। तो उन फोल्डेड पेपर को गुरुजी खुलवाते भी नहीं थे, नहीं दोबारा करके लेके आ, ठीक नहीं है। और जो आज आपको लाइट ऑफ डिविनिटी में सत्संग पब्लिश हुए हैं, वो एक एक गुरु महाराज ने खुद सेलेक्ट करके वो डलवाए हैं। तो प्यारी संगत जी, जिन जिन ने ये ग्रंथ गुरु महाराज का ब्लेस्ड लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ा है, यू आर ब्लेस्ड। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, प्लीज गेट अ कॉपी, या दिव्य आभा उसका हिंदी वर्जन है। और अब तो बहुत सेवा स्टार्ट हो गई है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये पब्लिश होने जा रहा है, और वो जो आपको लैंग्वेज इजी लगती है टू कॉम्प्रिहेंड टू अंडरस्टैंड, वो प्लीज आप अपनी कॉपी ले लीजिए। और ये एक ऐसा है, इसको सारा एक दफा पढ़ने में कोई आपको प्रेशर नहीं करेगा। एक एक करके आप सत्संग पढ़िएगा, उसको दोबारा पढ़िएगा, एंड प्यारी संगत जी, यू विल गेट ब्लेस्ड, यू विल गेट ब्लेस्ड, आई कैन अश्योर यू। इतना एक एक सत्संग में इतनी सीख है, इतना लर्निंग है, इतना हमें गुरु महाराज के बारे में समझ आता है कि कितने दयालु, कितना असीम प्रेम हर संगत के साथ वो करते हैं, ब्लेस करते हैं। और जब उन्होंने ये बोला कोविड से पहले कि बहुत माड़ा वक्त आने वाला है, तो हमें मालूम नहीं था क्या, व्हाट एग्जैक्टली ही मींस बाय दैट। जरा मेरा पाठ करेगा वो ब्लेस्ड रहेगा। और हर एक को कहना तू पाठ करया कर, डिपेंडिंग क्या उसके लिए बेस्ट है, वो उसको, वो संगत को वो ही बोलते थे। और जिन्होंने तो सुन लिया वो ब्लेस हो गए, जिन्होंने सुन को असुना को अनसुना करा, तो उनको दे नो बेस्ट, क्या हुआ उनके साथ। तो मेरा तो ये कहना है कि वी ऑल, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओल्ड न्यू संगत, वी ऑल आर ब्लेस्ड। व्हाई? बिकॉज वी आर इन अवर ओन गुरुजी महाराज शरण। और माइंड यू, ये कहना शायद ठीक नहीं है कि वी आर इन ए शरण, ये जो करेक्ट वे है वो ये है कि गुरुजी हैज चोजन अस टू बी इन हिज शरण। वी आर नोबडी, वी कैन प्रे, बट इट विल ऑल डिपेंड्स कि गुरुजी महाराज हमें अपने शरण में लेते हैं या नहीं। इसका प्रमाण मैं खुद देता हूं, जब हम वहां गुरु महाराज के सामने बैठे रहते थे, उनकी एक एक एक्टिविटी देखते थे, एक एक, हमें तो बस वहां जाके ऐसे लगता जैसे अमृत बरस रहा हो और गुरबानी चल रही है। तो उस वक्त उनका थोड़ा सा कुछ कहना ही ऐसे लगता था जैसे बस दैट इज द अल्टीमेट। गुरु महाराज हमेशा हर एक को ब्लेस किया और उसको एक आगे एक दिशा दिखाई कि परहैप्स दिस इज द राइट वे फॉर यू। इसमें मैं एक और छोटा सा सत्संग शेयर करूंगा रिलेटेड टू दिस। मेरी डॉटर ने डिसाइड किया कि एमबीए करना है, तो हम फिर गुरुजी महाराज के पास हिम्मत करके जरा बात कर लेते थे। मैं कहा गुरुजी महाराज, मेरी बड़ी लड़की ने हूं एमबीए करना है, उन्हें बाहर ले जाके एग्जाम, तब डिफरेंट स्टेट्स में होता था, तो माय टिकट फॉर बैंगलोर वाज बुक्ड बोथ मी एंड माय डॉटर।
एंड वी वर टू टेक अ फ्लाइट, पर हम कहीं भी जाते थे गुरु महाराज से आज्ञा लेके, तो हम कहते नहीं किथे नहीं जाना, असि उन्होंने इतने ही पढ़ावेंगे। कैन यू बिलीव इट, वी कैंसिल द टिकट्स। उनका एक ये कहना कि असि उन्होंने इतने ही पढ़ावेंगे, वो उसका अगेन वो तब कैसे पॉसिबल होता है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, हाउ डू यू फॉलो दिस? ओनली एंड ओनली इफ यू आर टोटली सरेंडर्ड एंड देर इज नो इफ्स एंड बट्स, वट एवर ही सेज इज फाइनल। प्यारी संगत जी, विद इन वन वीक शी गॉट अ कॉल फ्रॉम अ लीडिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फ्रॉम डेली एंड शी गॉट एडमिशन देयर। सो उनको मालूम है वॉट इज गुड फॉर अस, हम तो बिल्कुल ना समझ है, न माने हैं, हमें तो कुछ इस इतना आइडिया ही नहीं होता है, मगर उनको सब मालूम है वॉट इज गुड फॉर यू। फिर मैं एक और सत्संग आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं पहले एक कंपनी का सीईओ था, तो गुरुजी मैं जब भी जाता था तो एक दिन गुरुजी को माथा टेकने गया तो इजाजत लेने गया तो कहा हूं तू उदा खेड़ा छड़ दे, तू अपना काम चालू कर। नाउ अपेरेंटली एक दफा उन्होंने बोला तो मैं थोड़ा सा, देखिए विद योर डिपेंडेंट पेरेंट्स, टू डॉटर्स, वाइफ, यू इट इज अ बिग रिस्क, फाइन योर गुरु महाराज इज सेइंग, तो थोड़ी देर के लिए एक सोच में मैं पड़ गया कि व्हाट विल आई डू, आई डोंट हैव अ जॉब इन हैंड, आई डोंट नो वेदर आई विल गेट एनी क्लाइंट और नॉट, आई डोंट हैव एनी ऑफिस, बट आई वॉज वेरी क्लियर हार्ट विद इन हार्ट कि आई विल नॉट स्टार्ट माई ऑफिस फ्रॉम अ बरसाती, आई विल हैव अ प्रॉपर ऑफिस and I will, if at all I quit my job, I'll start from there. प्यारी संगत जी, आप भी ये मानेंगे कि it was not a easy thing, तो मेरे को इस बात पे थोड़ा सोचने का एक हफ्ता के करीब ले लिया मैंने, और फिर मैंने उसके बारे में सोचा okay, action लेना चाहिए। मगर क्या होता था उन दिनों में, गुरु महाराज ऑल सेवन डेज दर्शन देते थे, ऑल सेवन डेज। हमारा तो ये नियम था ऑफिस से आओ और आते ही एकदम फ्रेशन अप हो जाओ एंड देन प्रोसीड टू छोटे मंदिर, एंड दैट वाज अवर अल्टीमेट गोल, एवरी डे ऑल सेवन डेज अ वीक। तो हमें कुछ और इधर उधर का कुछ मतलब ही नहीं होता था, दुनिया में क्या चल रहा है, सोशलाइजिंग क्या हो रहा है, क्या किसका बर्थडे एनिवर्सरी, कुछ नहीं होता, हम तो सब सीधा वही हर रोज माथा टेकना और अंदर में गिल्ट कि गुरु महाराज ने बोला हुआ है और अभी तक मैंने उसको इंप्लीमेंट नहीं करा। उन्होंने नेक्स्ट वीक मेरे को दोबारा पूछा, हाले छड़िया नहीं तू? मैं कहने गुरु महाराज, गुरु जी मैं उन कर देना। So I started carrying my resignation letter in my pocket, but I had to look for an appropriate time, an opportunity where I just submit my paper or just say, okay, here it is, I'm going. Mauka hi nahi koi mil raha tha, koi aisi koi chance nahi mil raha tha. Phir I just one day took courage and I said, I just tendered my resignation and I walked out. Bahut unhone koshish ki rokne ki aur humne kaha, नहीं, आई डोंट वॉन्ट, आई विल डू समथिंग ऑन माई ओन, आई एम नॉट ज्वाइनिंग एनी अदर एजेंसी। एनी वे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द टाइम हैड कम, आई मूव्ड ऑन, और मैंने मेरे बताने से पहले ही गुरु महाराज को मालूम था, मैंने माथा टेका, उनकी स्माइल से ही पता चल गया कि उनको मालूम है, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, कहते जाओ उन दफ्तर ढूंढो तो अपना काम करो। तो वी वर लुकिंग अराउंड, हर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा, स्टार्टिंग फ्रॉम नेहरू प्लेस टू राजेंद्रा प्लेस टू
आर के प्रोग्राम टू, फिर मतलब जहां जहां हमारा दिमाग, और हमें कोई हमारे मतलब का ऑफिस नहीं मिला, या तो बहुत बड़ा हो जो कि वॉज मेकिंग नो मीनिंग और नो सेंस टू अस, या इतना छोटा हो कि बैठना ही मुश्किल हो जाए। तो हमने, गुरुजी ने हमारे से खुद ही पूछा, हाँ दफ्तर मिल गया, क्योंकि ये हर रोज हमारा जाना होता था। लेकिन नहीं गुरुजी, कुछ मिल नहीं रहा, अपने मतलब दा या तो बहुत बड़ा होता है या छोटा है। तुसी कनॉट प्लेस देखिया? नहीं गुरु जी, कनॉट प्लेस तो बड़ा महंगा है। वो यार तुसी जाओ तो सही, यू नो द वे ही यूज टू टॉक इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। तो अम नाउ कनॉट प्लेस अगेन इज बिग। मैं कह जी कनॉट प्लेस? कहते हाँ, बारा खंबा रोड ले देख लो तुसी, उत्थे कोई होएगा सिटिंग ओवर देयर, अपने स्थान पे बैठे हैं। गुरु महाराज हमें एक, जिसे कहते हैं ना, डायरेक्शन या टिप दे रहे हैं कि यू फूल, यू आर नॉट गॉन टू कनॉट प्लेस थिंकिंग दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस सेंटर, विच इट इज इन एशिया नंबर टू इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसिव एस्टेट। सो हम फिर वहां पे ब्रोकर्स और प्रॉपर्टी एजेंट को बोला, प्यारी संगत जी, यू वोंट बिलीव, एक पहले जिसको फोन किया ब्रोकर को, उसी ने कहा हाँ सर आप आ जाइए, एक एक ऑफिस बाराकंबा रोड में है। बाराकंबा रोड पे ऑफिस है? देन आई एक्सप्लेन, आई सेड हमें बड़ा नहीं चाहिए। नो सर, आप आइए उसको देखिए। हम वहां गए, यू वोंट बिलीव संगत जी, दैट वॉज अ ऑफिस एज इफ गुरु महाराज हैड मेड इट फॉर अस। बिग रूम विच कुड बी टर्म्ड एज गुड साइज, इंक्लूडिंग इट कुड हैव, आई कुड हैव मीटिंग ऑन द साइड लाइन ऑफ द टेबल, उसके लिए अलग से जगह थी। 9 वर्क स्टेशंस ऑल रेडी टू प्लग इन एंड प्ले, ऑल वायरिंग डन, वुडन पार्टीशन डन, वुडवर्क डन, एवरीथिंग रेडी, एयर कंडीशनर्स इन प्लेस, मोस्ट कॉम्पैक्ट ऑफिस आई फाउंड एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट। हमने उनको, हमारे पास एक छोटा सा गुरु जी का स्वरूप था, हमने कहा डू यू परमिट अस टू कीप इट हियर, ये हमारे गुरु महाराज का है। कहते हाँ जी आप रखिए। हमने कहा हम कल आके इसको फाइनलाइज कर लेंगे, मगर फर्स्ट वी हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम अवर गुरु महाराज। बहुत खुशी से हम छोटे मंदिर पहुंचे, जैसे एक बच्चे को कोई खिलौना मिल जाए, उतना खुशी, उससे भी ज्यादा खुशी। और हम पहुंचे, माथा टेका, हमने कहा गुरु महाराज जिस तरह आपने कहा था वैसे हम बाराखंबा रोड गए थे और वहां एक ऑफिस मिल गया। कहते मैनू पता है। तो मैं कह गुरु जी ले लीए। कहते ले तो तुसी पहला ही लेते है, हाँ करके ही आए हो। माय गॉड, अब हम कह गुरु जी तुसी कदों आओगे पूजा ले, वो डेट तो असी काम शुरू करांगे। डू यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड गुरुआ नु तो तुसी पहला ही उत्थे रखवाली ले छड़े आए हो, हुन मैनू जान की दी की लोड़ है। प्यारी संगत जी, व्हेन आई स्टार्टेड माय सत्संग आई सेड गुरु जी अंतर्यामी है, अपरंपार है, उनको सब बिन बोलिया सब जानता। व्हेन ही सेड दिस एंड ही सेड यू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, देर इज नो नीड ऑफ पूजा, नो नीड ऑफ माई गोइंग ओवर देयर, यू हैव ऑलरेडी कैप्ट माई स्वरूप देयर, जा ब्लेस करता, अपना काम चालू करो। इस तरह गुरु जी महाराज ब्लेस करते हैं अपनी संगत को, जिस तरह से वो करना चाहे वो ही जानते हैं। वी आर नो बडी टू कमेंट ऑन इट, वी आर नो बडी टू
react on it. We simply are here to say Shukrana, Shukrana, and Shukrana. Because he knows what is best for us. प्यारी संगत जी, ये सत्संग शेयर करने का मकसद यही है, अगर आपने पूर्ण संपूर्ण करा, लाइक फुल्ली यू हैव डिवोटेड योरसेल्फ एंड यू हैव टोटली सरेंडर्ड, देन देर इज नो लुकिंग बैक, देन गुरु यू आर वेल प्रोटेक्टेड. वो पूरा अपना एक गुरु महाराज का एक कवच होता है जिससे प्रोटेक्ट करके अपनी प्यारी संगत को रखते हैं. ही इज वन हु इज एक्सट्रीमली यू नो केयरफुल अबाउट हिज संगत, बिकॉज ही डजेंट वॉन्ट हिज संगत टू बी इन ट्रबल एट ऑल. बट दैट डजेंट मीन दैट संगत विल नॉट बी इन ट्रबल, मीन्स इन प्रॉब्लम, अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ. उन्होंने खुद बोला ये होगा, मगर उसकी इंटेंसिटी आई कैन कंट्रोल, बाय विच मीन्स पहाड़ दा राई बनाता, बट ओ वी हैव टू डील विद. एंड ही गिव्स अस करेज, ही गिव्स अस एंड शोज अस द पाथ अहेड. सो इस तरह लाइफ गोज ऑन. और हर तरह से आप देखेंगे आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. संगत जी, किस तरह वो एजेंसी 19 इयर्स तक अभी भी दैट एजेंसी इज ऑन, जो कि विच इज ब्लेस्ड बाय गुरु जी. आज 19 इयर्स हो रहे हैं नवंबर फरवरी में, और इट इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग. और इसमें गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स ही उसको इतनी दूर तक लेके आए. हियर ऑल्सो वी हैव सीन अप्स एंड डाउन, एंड ड्यूरिंग कोविड सिंस उन्होंने एक चीज मेरे को बोली थी, यू नो हिज वे, एक्चुअली इट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यू इंटरप्रेट द मैसेज यू गेट. नेचुरली जब स्टार्ट में इतना बिजनेस नहीं था, तो वंस ही आस्क्ड, ठीक है चल रहा है, मैं कह जी क्लाइंट नहीं है गे, कहते यार तू बाहर लिख दे रहा कर, बाहर मीन्स ओवरसीज ग्लोबल क्लाइंट्स. Started doing that. You won't believe, majority of my business was from overseas. Step by step. Step by, yeh nahi ki there was a windfall. Step by step. It started coming from there. However, COVID hit us very bad, because everything came to a grinding halt. That was a time when you have so much of commitment and so much of liability on you, you have to take a proactive step and cut down your costs. To us waqt Guruji ye nahi kahenge ek ek chhad de, then you have to use your common sense. So ups and down aaye, magar Guruji showed us the path, gave us the courage, and today we are back in action. चलिए एक और सत्संग सुनाते हैं. Maybe some of you might have heard about it, I don't know, but I would like to share that again. I had a meet, my office was in Barakamba Road. I had a meeting with some of the senior editors in Le Meridian Hotel, which is not very far off from Barakamba Road.
मी अकंपनीड बाय माय डॉटर हु हैड आफ्टर डूइंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन पीआर एंड इवेंट मैनेजमेंट शी जॉइन मी एंड माय अदर कोलीग थ्री ऑफ अस वर ऑन रोड एंड ऑन वे टू मेरिडियन होटल वी वर गेटिंग लेट सो आई वाज स्पीडिंग अप एंड वी रीच्ड एज वी रीच्ड द होटल आई टोल्ड बोथ ऑफ देम यू प्लीज गो अहेड दोज गाइज आर ऑलरेडी वेटिंग और मैं वैले टिकट लेके अभी आ रहा हूं. संगत जी एज यू वुड ऑल नो वैले टिकट डजेंट टेक मच टाइम बट दैट डे इट टुक सम देयर वाज सम इनऑर्डिनेट डिले इन गेटिंग द वैले टिकट. आई रिमाइंडेड ऑल्सो दैट बिग टॉल सरदार जी दरबान आउट देयर मैं कब वैले टिकट कर नहीं सर सॉरी सर अभी दे. सो I was getting very uneasy and I asked again. Suddenly what I find, a red color Lamborghini car speeds up so fast, it zip passes me where my clothes जैसे कहते हैं ना हवा का एक झोंका आया उससे इतना बिल्कुल फेदर टच होते हुए दैट कार वेंट एंड हिट माय कार फ्रॉम बिहाइंड सो हार्ड दैट इट टर्न्ड 180 डिग्री इवन देन दैट लैम्बोर्गिनी डिड नॉट स्टॉप एंड ही हिट द बाउंड्री वॉल ऑफ द area of the hotel lobby boundary wall. Sangaji, Guruji saved me by whiskers. The speed in which the custom made two seater sports model Lamborghini came and hit my car, I was fraction of a second away. बस मालूम नहीं गुरुजी ने मे भी कहा थोड़ा सा इस साइड बिकॉज ही वॉज हैंडिंग मी ओवर द वैले टिकट तो मैं थोड़ा इस साइड आ गया एंड इट हिट. नाउ दिस इज वेयर द ब्लेसिंग्स स्टार्ट. नंबर वन द कार वॉज हिट बैडली बट आई वॉज सेव्ड गुरुजी गेव मी सेकेंड लाइफ. नाउ Second, the general manager came out running when he heard it was a big bang and a blast sort of thing. Thank God there was, while the petrol started leaking from my car, but it did not catch fire. That was second blessing. Third, the hotel general manager came. I knew him. He said, Mr. Paul, please go relax in my room. Have a cup of coffee. I will take care of this. I said, no, I don't want, I can't. Seeing the condition of my car, he said, you don't worry, sir. It will be taken care of. Lamborghini was smashed badly. So was my car. It was Corolla Altis. Quite heavy car. Imagine hitting and turning 180 degree. You can imagine the intensity at which it hit. What momentum it would have gathered. Because it was a sports car. To cut a long story short, I don't know, I never said a word. He said, he knew that I am in PR, media is something just a phone call away. And my meeting was with the editor of Times of India and Hindustan Times. They were waiting inside the coffee shop. So I had to simply go and say, friends, just see what they have done to my car. First thing he said, Mr. Paul, you're not talking to media about this. I said, okay, we will take care. Now, I couldn't really understand what exactly he means by that. The hotel took care of the complete damage of the car. My insurance was not touched. So this was third blessing.
फोर्थ ब्लेसिंग, इट टुक ओवर 23 डेज फॉर द कार टू गेट रिपेयर्ड. व्हाई? बिकॉज देयर वर सर्टेन पार्ट्स व्हिच हैड टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम जापान एंड इट वाज टेकिंग टाइम. ऑल द 23 डेज होटल हैड प्रोवाइडेड अ शोफर ड्रिवन कैमरी टोयोटा कैमरी कार टू मी एट माई डिस्पोजल. मॉर्निंग 8:30 इट वुड रिपोर्ट एट माई प्लेस एंड देन इट वॉज माई विल वेन टू रिलीव इट. On the 20th day, there were 11 drivers which Meridian people have. One of the driver who came on duty, he said, Mr. Paul, sir, he never said Mr. Paul, sir, जब भी यहां होटल का कार कभी भी जाता है किसी के पास, वो एकदम कहता है चलो भाई आगरा चलो, चलो भाई जयपुर चलो, आप सिर्फ ऑफिस जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं और गाड़ी वापस भेज देते हैं. चलिए आज हम आपको ताजमहल दिखा के आए. मैंने कहा क्यों, मेरे को नहीं कहीं जाना भाई, इतना कम है कि होटल वाले सब कुछ मेरे को ठीक करके दे रहे हैं. सो पॉइंट इज, इफ यू आर अ कंटेंटेड पर्सन, व्हेन गुरु महाराज हैज ब्लेस्ड यू वन आफ्टर अनदर, राइट फ्रॉम योर लाइफ टू 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 व्हीकल टू सेफ्टी टू व्हाट यू कन्वीनियंस टू एवरीथिंग, वेयर इज द नीड टू एक्सप्लॉइट दैट service which the hotel is providing. So never cheat, never cheat. Guruji blesses those who are honest to themselves. Aur nek kamai ka apna hi maza hai. प्यारी संगत जी, वी ऑल आर सो ब्लेस्ड दैट गुरुजी हैज टेकन ऑल ऑफ अस इन हिज शरण. मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, बी गुड टू योरसेल्फ. एक और चीज गुरुजी कहते थे, दूजे की निंदा ना करो. सी वो कहते सब कुछ ठीक है, मगर जे तुसी किसी की निंदा करती, तुसी अपना ब्लेसिंग सारी उन्हें देती. इस चीज पे गुरु जी को बहुत बहुत ही गुस्सा, या गुस्सा ही मैं कहूंगा, आ जाता था. जब ऐसा कुछ भी कोई भी करे, क्यों? क्योंकि गुरु जी कहते हैं जे मन चंगा ना तो नलके का पानी भी गंगा. ये गुरु जी के शब्द हैं, वचन है. और अपना भांडा साफ रखो, और जब वो बुराई के बारे में बोलते थे कि निंदा ना करो, तो उनको एक और एक तरीके से कहा जाता था, ना मैं चंगा ना कोई बुरा है. सो ऑब्वियसली यू विल नॉट कर्स और डिसरिस्पेक्ट एनीवन एल्स. बाकी ईगो तो ऐसे वो फिक्स करते थे कि पूछो नहीं. इतने बड़े बड़े, I don't want to name anyone. Politicians आते थे, और इतने इतने बड़े business tycoons आते थे, उनको गुरुजी लाइन पे लगा के पीछे बढ़ाते थे. आगे बैठेंगे तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे पहले initially. क्यों? हाले connection नहीं होया, या हाले तेरी file नहीं खुली. अगेन इट इज रिलेटेड टू इट. कनेक्शन कब खुलेगा? जब आप सरेंडर करोगे. किंतु परंतु अपना बाहर जब आप चप्पल उतारते हो वहां छोड़ के आएंगे. बिकॉज नो लॉजिक वर्क्स इन गुरु महाराज दरबार. हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद मी, नो मीडिएटर्स आर रिक्वायर्ड.
नन, आप ये चीज जो कि आजकल सॉरी टू से काफी प्रथा चल चुकी है, तुम ये कर लो वो कर लो, एवरीबडी हैज बिकम गुरुजीज प्रैक्टिशनर, देनो कि कॉपर का लोटा लेके आओ उसको ब्लेस कराओ, ये नहीं मालूम कि गुरु महाराज जिनको चाहिए था उनको बोलते थे, हर एक के लिए नहीं बोला उन्होंने कभी भी, बट दे बिकम प्रैक्टिशनर ऑफ गुरु जी महाराज। ही सेड आई ऑलवेज, मतलब ही सेड आई एम अ प्रैक्टिकल गुरु, आई डोंट गिव जस्ट लाइक दैट। तो फॉलो गुरु जी इंस्ट्रक्शंस, जो उन्होंने कहा है मंत्र जाप करो। और हां, अब जब मंत्र जाप की बात हुई तो सत्संग की भी बात होनी चाहिए, जो आजकल घर घर में उन्होंने कहा था जोत जलेगी सत्संग होंगे, मगर किस तरह सत्संग होंगे शायद ये उस वक्त डिफाइन नहीं करा गुरु महाराज ने, मगर एस पुरानी संगत हमारा ये ड्यूटी बनता है कि वी शुड शेयर विद यू ऑन टिप्स फॉर होल्डिंग सत्संग। दिस इज प्योरली वॉट इज कमिंग टू माई माइंड संगत जी, आई एम नोबडी टू गिव एनी डायरेक्टिव इन दिस रिगार्ड, मगर जो गुरु महाराज ने कहा है वो मैं शेयर कर रहा हूं। कीप इट एज सिंपल एज, बिकॉज गुरु महाराज ने सत्संग करवाना शुरू करा था अपने होते हुए, और तब डायरेक्टिव होता था एक दाल एक सब्जी दो रोटी एंड एक मीठा, एंड टुडे प्लेट में रखने की जगह नहीं होती, इतना 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 वैरायटी ऑफ चीजें बन जाती हैं वहां पे। नॉट ओनली दैट, वो जब गुरु महाराज के आगे भोग जाता है, आई वंडर क्या आपको मालूम है गुरु महाराज कितना खाते थे? अगर उनकी प्लेट में एक चपाती से ज्यादा रख दो तो वो खाते ही नहीं थे। तो और उसमें से भी वापस आता था, अगर दूसरा चपाती सेवादार ने खत्म होने से पहले रख दी तो नहीं खाएंगे, लास्ट कढ़ाई उनके मुंह में होगी और उस वक्त ऑफर की जाएगी तो शायद रख सकते हैं, इतना थोड़ा हमारे गुरु महाराज खाते थे। और आज उनको जो भोग चढ़ता है डर लगता है कि भाई उन अपना नहीं गुरु महाराज का तो ख्याल रखो। ये तो रहा प्रसाद लंगर का, बाकी अब थोड़ा सा प्लेलिस्ट की तरफ आ जाएं। हाथ जोड़ के विनती है प्यारी संगत जी, प्लीज जहां तक हो सके गुरबानी प्ले कीजिए विच इज ब्लेस्ड बाय गुरु महाराज। जिस प्लेटफॉर्म से आज आपसे गुफ्तगू हो रही है, गुरु महाराज की वेबसाइट पे ब्लेस्ड भजन ब्लेस्ड शब्द हैं, प्लीज प्ले दोज ओनली। ईच शब्द इज ब्लेस्ड बाय गुरु महाराज। इसका एक एक एग्जाम्पल तो नहीं, दैट इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, एक और सत्संग सुनाता हूं शायद आपके दिमाग में आ जाए कि जो आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं उसका कितना आपको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल अडल्ट्स, यू विल डू व्हाट यू फील लाइक, बट स्टिल आई वुड लाइक टू से, एक दफा नॉन संगत डे पे जब उन्होंने 2 दिन बीच में दर्शन देना बंद कर दिया, दैट वाज ट्यूसडेज एंड वेडनेसडेज, तो एक दफा मेरे को बुलाया गुरुजी ने फोन करके कि मैनू मिल आके, और कुछ मंगवाया था तो मैं वो वहां लेके गया।
गुरु महाराज छोटे मंदिर में अपने रूम में बैठे हुए, तो उनको बताया गया कि अचल पॉल अंकल आए हैं, उनका भेज दो उसको अंदर। तो मैं, वो हमेशा फ्लोर पे बैठते थे, जमीन पे बैठते थे। सर्दियों के दिन थे, रेड उनका कलर का ब्लैंकेट था नीचे, तो ऑब्वियसली हम भी सब नीचे बैठा उनके साथ। जाते ही चाय प्रसाद आएगा एकदम, और प्यारी संगत जी उनके रूम में उनके सामने तीन ढेरियां सीडीज की पड़ी हुई थी, शब्द गुरबानी की। आई रिपीट, तीन ढेरियां, एक ढेरी में कम से कम 25-30 सीडीज होंगी, एक एक पैक, फिर दूसरा पैक, फिर तीसरा, मीन्स तकरीबन 90-100 के करीब सीडीज होंगी। गुरु महाराज ने एक भी सीडी चलवाई नहीं, एक भी। बैठे हुए चाय प्रसाद पी रहे, मेरे को भी ऑफर किया, हम कुछ और बात कर रहे थे, एकदम उठे, उसमें से एक एक पैक में से एक निकाला, एक में दूसरा निकाला, कहते ये डीजे अंकल नु दे दें, आज यही चलेगा। मैं कह जी बाकी, कहते बाकी बन दो। मैं कहा गुरु जी तुम सुनिए, कहते सुनने दे की लोड, ये ब्लेस करते। सो व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू, इफ आवर गुरुजी महाराज हैज ब्लेस्ड शब्द्स, वुड यू नॉट लाइक टू प्ले दोस, और यू वुड लाइक टू प्ले ऑल द शब्द्स व्हिच द न्यू अपकमिंग सिंगर्स हैव स्टार्टेड प्लेइंग? आई हैव नथिंग अगेंस्ट, आई विल नॉट नेम इवन अ सिंगल वन, चाहे वो मशहूर हो गए हैं ब्लेसिंग्स के साथ गुरु महाराज की या नहीं। See, अब क्या है कि इतना हो सकता है कि ओके, अगर 2 घंटे का प्लेलिस्ट है तो मेजोरिटी आप एटलीस्ट वो रखें गुरबानी, बीच में ओके कोई एक दो आप वो लगा लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट अब जब हमें इनविटेशन आता है सत्संग पे, पोल अंकल आइएगा, आंटी को भी लेके आइएगा, हम जाते हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, ऑल द शब्द होते ही नहीं है, कोई क्या बोले। अब वो भी भगवान है, डिफरेंट डिफरेंट भगवान के वहां पे भजन चल रहे हैं, हम तो हमारी आंख ही नहीं बंद होती है, गुरु महाराज का स्वरूप सामने है और चल रहा है कुछ और। अगेन हाथ जोड़ के विनती है प्यारी संगत जी, इससे ज्यादा सत्संग शेयरिंग विल नॉट हेल्प, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू विल, इफ यू डोंट देन नो मैनी, नो मैटर हाउ मेनी सत्संग आई मे शेयर, यू विल नॉट बच फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस। सो वेरी हम्बली आई एम सेइंग अगेन विथ फोल्डेड हैंड्स, प्लीज फॉलो एंड प्ले गुरबानी ब्लेस्ड बाय गुरु महाराज व्हेन एवर यू होल्ड सत्संग्स एट योर होम, एट सम फ्रेंड्स प्लेस और वेर एवर। और नाउ दिस पीपल हैव लॉट ऑफ मनी, दे डू इन गुरु इन 5-स्टार होटल्स एंड रिसॉर्ट्स एंड व्हाट नॉट, सो प्लीज इंस्टेड ऑफ लाइव सिंगर्स प्ले दिस। गुरु जी विल नॉट अपसेट यू, ही विल नॉट गेट अपसेट, नॉर विल ही अपसेट यू, ही विल बी वेरी हैप्पी and you will get blessed, all the sangat which is present there will get blessed, even if you play from CD or pen drive, whatever, provided they are gurbani blessed by guru maharaj. With that I want to take ijazat. I hope प्यारी संगत जी आपने इस चीज को सही मायने में लिया और ये नहीं समझा कि ये क्या प्रवचन हो रहा है या क्या डायरेक्टिव दिया जा रहा है। आई एम नो बडी टू गिव दैट, आई एम नो बडी टू गिव दैट,
आई एम हियर एज अ सेवादार, एज गुरुजी यूज्ड टू आस्क मी मेनी अ टाइम्स टू गेट अप एंड शेयर माई सत्संग इन हिज प्रेजेंस एंड आई यूज्ड टू डू इट। नाल ए भी बोल देंदे सी, शॉर्ट विच सुनाई, फिर कहते यार तू ए तो सुनाया ही नहीं। मैं कहा गुरु जी खुद नहीं तुसी बोलिया शॉर्ट विच, मैं अपना करके खत्म कर। कहते नहीं तू ए नहीं सुना, ए भी सुना, ए भी सुना। सो बहुत प्यार करते हैं गुरु जी महाराज हर संगत से। सो लेट्स ऑल रेसिप्रोकेट इन द सेम महाराज रिस्पेक्ट टू हिम बाय डूइंग थिंग्स विच ही वॉन्टेड टू बी डन इन हिज वे। It is not anyone else's way. It is Guruji's way. So please, as far as possible, try to follow those. Okay? With that, I take leave. Guruji Maharaj se aagya lete hain. Jai Guruji. Jai Guruji.